So let's go for problem number 3. Two identical thin rings, each of radius 10 cm, carrying charge 10 coulomb and 5 coulomb. Coaxially placed distance. Okay. Work done, moving charge Q from the center. Okay. I see the idea. Question number 3. Though ring there, coaxially placed. Same radius there. Actually, उनके बीच का डिस्टेंस भी उनके रेडियस जितना ही है, तो इस रिंग को थोड़ा सा इसके नज़दीक लाओ. पेस ऑफ डिस्टेंस है ना, ये 10 सेंटीमीटर है. 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे चार्ज दिया, चार्ज इज गिवन. यहाँ पे 10 कूलम दिया है, यहाँ पे 5 कूलम. और क्या पूछा है? वर्क डन from the center of first to the center of second. So what is asked? Work done from 1 to 2 is equal to question. Okay, so work done निकालने के लिए पहले अपने को क्या मालूम होना चाहिए? Work done का formula. So W from 1 to 2 will be V2 minus V1 into Q. क्योंकि आपको formula याद है. Formula क्या दिया आपको? VAB is equal to W VA upon Q. समझा? तो ये जो है इधर अप्लाई करने का, तो WBA will be Q into VAB. वैसे ही W12 will be V2 minus V1 into Q. Okay, now we'll go for calculating. First V2, उसके लिए V2 and V1 के लिए इसको at center निकालना है. तो यहाँ पे दो चार्ज बेटा, एक चार्ज नहीं, चार्ज कॉन्फिग्रेशन दो है. तो आपको केस कैसे लेना पड़ेगा देखो. केस वन में आपको लेना पड़ेगा एक चार्ज इधर, अपना चार्ज इधर और ये दूसरा चार्ज इधर. ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस निकालो पहले. तो ये ट्राइंगल अगर आपने जोड़ दिया इसको, देन इट विल बी लाइक दिस. दिस विल बी 10, दिस विल बी 10. सो ऑफकोर्स दिस विल बी 10√2. ओके, 10² + 10² ओके 200. इट विल बी 100√2. सो 10√2. So this will be 10√2 centimeter. Now for calculating V1, we will calculate V1 is equal to due to this 10C and this is 5C. Okay. So we will start calculating. V1 will be Q. Oh sorry. हाँ Q भी हो जाएगा. Q move कर रहे हैं ना. तो लिख सकते हैं इसको K Q1 Q2 upon R. Okay. लेकिन it is W upon Q ना. So 1Q will go out. Are you getting my point? 1Q will be going out and you will be only getting potential, means whatever this charge is in the form of that you will get. Okay. So apna charge to usko test charge padega, wo diya hai, divided by Q. Okay. So V1 aa jayega apna 1/4πε₀₀. Okay. Due to this, 10 upon 10 प्लस इसको भी इधर लिखता हूँ. ये कितना हो जाएगा? 1/4πε₀₀. ये कितना है? 5 अपॉन, इसका आंसर कितना है? 10√2. तो इसको इक्वेट ए करते हैं, कॉमन लेते हैं बाहर 1/4πε₀₀. ओके, और ये इसको लिखते हैं 10/10 प्लस 5/10√2. ये हो गया 5 × 10. सो ये हो जाएगा 1/4πε₀₀. ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/2√2. ये मेरा फर्स्ट का मीटर. अभी केस सेकंड दिखाने का जरूरत नहीं, वैसे ही इसके लिए करने का. तो उस टाइम ये ऐसे लेने का, वो भी 10√2 ही हो जाएगा. ओके, सो केस सेकंड चले राइट डायरेक्टली. या V2 विल बी 1/4πε₀₀. ये कितना हो जाएगा? ये पहले वाला 5/10, अभी ये 5 और ये डिस्टेंस 10 है, प्लस ये कितना हो जाएगा? 10/10√2. 5 × 10 और 10 × 1 = 10. सो इट विल बी 1/4πε₀₀, 1/2 प्लस 1/√2. मिल गया, अभी ये 1 का मिल गया, ये 2 का मिल गया. सो V2 माइनस V1 अभी कैलकुलेट करते हैं. इसको रफ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट कितना आता है देखते हैं. ओके, आई विल रब इट फॉर्मली.
फाइनली ओके कितना आ गया देखो बेटा आपका। सो डब्ल्यू W will be Q into V2 minus V1। इसमें ये कॉमन है, इसको कॉमन लेता हूँ, इसको भी कॉमन लेता हूँ, Q upon 4 pi epsilon naught, बच गया क्या 1/2 प्लस 1/√2 माइनस ओके माइनस कितना बच गया 1 माइनस 1/√2। तो कितना हो गया डायरेक्टली करते हैं अभी इसको 1/2 माइनस 1 मतलब उसका माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। अभी इसको 2 है, अभी 2√2 है ना, इसको रूट टू से मल्टीप्लाई किया √2 आ जाएगा, माइनस √2 अपॉन 2√2 माइनस ये √2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन 2√2 और माइनस ये तो है 1/√2 ओके। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इधर लिख देता हूँ, इधर यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये डब्ल्यू विल बी क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught, ये कितना हुआ 2 एक बेटा ये माइनस है ना, ये क्या है इसको, ये प्लस है ना, सॉरी ये प्लस है, सॉरी अभी हो गया 2 माइनस 1 1/√2 1/√2 माइनस √2/√2। तो ये कितना हो गया 1 √2/√2 बराबर। और अपना ऑप्शन कितना है, ऑप्शन ही √2 - 1 है, देखें अब बी आ रहे हैं अपना ओके समवेयर आई हैव मेड द मिस्टेक ऑफ साइन, उसको देख लो वो उसमें डालो, इट विल कम, आई हैव डन समवेयर मिस्टेक ऑफ साइन, सो दैट साइन मिस्टेक इफ यू कम ओवर यू विल गेट द ऑप्शन, ओनली दिस विल बी हियर एंड दिस विल बी हियर, समवेयर आई हैव डन ओके, यू विल गेट फ्रॉम हियर ओके, इफ यू गेट इट जस्ट सेंड इट टू मी वेयर आई हैव डन, अदरवाइज इट इज करेक्ट ओके। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम ओके। अ पार्टिकल ऑफ मास इज गिवन इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम ओके बिटवीन द टू प्लेट्स, और क्या बोला है, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेपरेटेड बाई डिस्टेंस भी दिया है, और क्या निकालने के लिए बोला है, देन द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स ओके समझ, इन द फॉर्म ऑफ ई निकालने के लिए दिया, मतलब ऐसे दो पार्टिकल दिए आपको ओके दो प्लेट दिया है के बीच में एक पार्टिकल, ये पार्टिकल कैसा है इक्विलिब्रियम को है, पार्टिकल कैसा है इक्विलिब्रियम को है, मतलब नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो। ये डिस्टेंस कितना दिया है आई थिंक 0.02 मीटर दिया है, और ये पोटेंशियल कितना दिया है वी आई थिंक 400 दिया है, वी दिया होगा 400 वोल्ट, वी कितना दिया है या 400 वोल्ट, वी इज इक्वल टू 400 वोल्ट, और ये इक्विलिब्रियम में है, और क्या पूछा आपको चार्ज ऑन द पार्टिकल पूछे ओके। अभी देखो पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, अभी फास्ट जाता हूँ थोड़ा, सो एफ नेट विल बी जीरो, अभी एफ नेट कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर कौन कौन सा चार्ज होगा, दो प्लेट है उनके बीच में पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, आइदर ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, ऐसे भी जाएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रेजेंट, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल, ये पार्टिकल को खुद का मास है, उसको वेट से वो नीचे आएगा, तो एफ रेगुलर एफ इज इक्वल टू एम जी, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना क्यू इंटू ई, बिकॉज एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एफ कितना एम जी, तो क्यू कितना हो जाएगा एम जी अपॉन ई। अभी ई को कैसे लेंगे, ई को आपको मालूम है ई का फॉर्मूला माइनस डी वी बाई डी आर, इसको ही हम यूज़ करेंगे जो हमने प्रैक्टिस में लिया था, जस्ट माइनस वी अपॉन डी लिखते हैं उसको, माइनस का अभी साइन का ही, इधर साइन का कुछ नहीं है, डायरेक्टली वी बाई डी लिख सकते हैं, तो आपने लिखा एम जी ई को लिखेंगे वी बाई डी, अभी ये डी को ऊपर लिया तो आपको क्या मिल सकता है क्यू विल बी इक्वल टू
कितना मिलेगा, एम जी डी अपॉन वी। ये फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला में वैल्यू डालो, इसका वैल्यू है 400 दिया है, डी दिया है 0.02, मास दिया है, जी को 10 डालो, आपका ऑप्शन आने वाला है, आपका आंसर आया है, आंसर आने वाला है बी, बी ऑप्शन आए। ओके दैट्स ऑल, ये देख के लो, बाद में हम अगर कुछ प्रॉब्लम है तो देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एकदम ईजी है। ओके ये बाकी बोलने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली करते हैं, ये देखने से पता चला मुझे। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉब्लम है बेटा, तो ये कैसे करते दिखाता हूँ आपको। ये भी डायग्राम दिया है ना, तीन चार दिया है ना, 1 2 3 4 दिया। ओके और वो पूछा है हाउ मेनी हैव द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके अभी यहाँ पे दिया है और एक ब्लैक कर दिया इसको और बाकी को वैसे ही छोड़ दिया, तो इसमें से हाउ मेनी ऑफ रिमेनिंग विल हैव पोटेंशियल सेम लाइक दिस। तो इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट याद करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे अगर मैंने परपेंडिकुलर निकाला तो हर एक सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल है वी, तो इस पे भी वी होगा, इस पे भी वी होगा, इस पे भी, वैसे ही यहाँ पे अगर पोटेंशियल वी है, वी डैश है, तो इस पे भी वी डैश होगा, इस पे भी वी डैश होगा, इस पे भी वी डैश होगा। ये और ये सेम नहीं होते क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है, वो आपको मालूम है कैसे निकलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, तो एक बाजू से दूसरी बाजू जा रहे, तो मतलब पोटेंशियल विल चेंज, लेकिन यहाँ पर तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो जाएगा। तो 1 2 और 3, तो आंसर मिल जाएगा 3 चार्ज ऐसे हैं, 3 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे पोटेंशियल चार्ज नहीं, पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट 6th 1। व्हाट इज गिवन 6, अ पार्टिकल ए हैज चार्ज क्यू एंड पार्टिकल बी हैज चार्ज 4q, ईच ऑफ देम हैविंग द सेम मास एम, व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट टू द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। ओके स्पीड का रेशियो निकाल, क्या दिया, पार्टिकल ए हैज चार्ज क्यू, सो फॉर ए चार्ज इज क्यू, बी हैज चार्ज 4q प्लस है ऑफ कोर्स, प्लस प्लस क्यू प्लस 4q, एंड व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट टू सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसको भी फॉल किया, फॉल करने के लिए अलाउ किया, इसको भी फॉल करने के लिए अलाउ किया, नीचे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स विल बी ओके। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना होगा, 1 मिनट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है आपको, उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, तो स्पीड पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, और काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन, हियर वर्क एनर्जी थ्योरम वी विल यूज। सो ओके इसके लिए अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाला हाफ एम वी वन स्क्वायर, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर, पोटेंशियल इसका कितना है वी, इसका जो पोटेंशियल v, ये वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल है, इसका कितना होगा q इंटू वी, ये कितना है, हाँ ये प्लस q है और ये प्लस 4q, इसका कितना हो जाएगा इक्वल टू 4 qv। अगर रेशियो निकालो हो जाएगा, हाँ तो रेशियो ऑफ क्या पूछे, 1 to 2 और 2 to 1 पूछे, 1 to 2 पूछे हैं, एक मिनट, हाँ 1 to 2 पूछे हैं, ए टू बी पूछे, ओके ए टू बी रेशियो ऑफ ए टू बी, सो हाफ एम वी वन स्क्वेयर अपॉन हाफ एम वी टू स्क्वेयर विल बी, करने का जरूरत नहीं आपने किया होगा, 4 qv कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सो इट इम्प्लाइज वी वन स्क्वेयर अपॉन वी टू स्क्वेयर विल बी 1/4, इम्प्लाइज वी वन बाय वी टू विल बी 1/2, दैट इज आंसर विल बी 1:2, दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ओके लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन वी विल एंड द वीडियो
नेक्स्ट वीडियो पे आई विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन. क्या दिया आपको? हाँ, 7 का बी आने वाला है. 7 में आपको कुछ देखने का जरूरत नहीं है, वो प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज के अलावा देखना है आपको, बी आएगा उसका. 8 का क्या है? 2 मेटालिक स्पीयर्स ऑफ रेडियाई. हाँ ये करते हैं. 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर गिवन चार्जेस दिया है एंड दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर. द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्पीयर. एकदम सिंपल है. एक छोटा वाला है, एक बड़ा वाला है, उनको कनेक्ट किया और बड़े वाले पे आपको चार्ज पूछे. उनका डिटेल क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. ओके, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया है. इस पर चार्ज कितना दिया है आपको? 1 को दिया है -1 × 10⁻². और इसको कितना दिया है? 5 × 10⁻². इसके इसका इतना चार्ज है और ये कनेक्ट करते हैं. ओके, देन दे आर कनेक्ट वायर. फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्पीयर विल बी. ओके ओके, तो ये कैपेसिटेंस का यूज करके आपको सॉल्व करना है. ओके, जब ये दोनों कनेक्ट कर देंगे. ओके, तो इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज और पोटेंशियल सेम दिया है ना, वो बताया ना उन्होंने, पोटेंशियल सेम दिया है. और गिवन चार्जेस ऑफ कनेक्टेड बाय, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया. हाँ खाली ये दिया. ओके ओके, सो डायरेक्ट लिखना पड़ा. तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा मैंने आपको, दिया है कॉमन पोटेंशियल का, उसको राउंड करके भी दिया है. ये निकालने कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं. कैसे निकालेगा? क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन सी इक्विवेलेंट. क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन सी इक्विवेलेंट. ओके, अभी क्या करेंगे? वेन एवर दे आर कनेक्टेड, ओके, यू कैन टेक द केस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. वेन एवर दे आर कनेक्टेड यू कैन टेक लाइक दिस सो दैट योर कैपेसिटेंस विल बी इन पैरेलल. इट विल बी सी वन पैरेलल सी टू. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू वन, क्यू वन कितना हो जाएगा? सी वन इंटू वी वन. क्यू टू कितना हो जाएगा? सी टू इंटू वी टू ऑन सी वन प्लस सी टू. ओके, तो अभी आपको सॉरी आपको सी वन वन निकालना नहीं है, डायरेक्टली कैपेसिटेंस भी निकालने का ज़रूरत नहीं है आपको. चार्ज दिए ओके और पोटेंशियल पूछे तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं. क्यू वन दिया है, क्यू टू दिया है, सी इक्वेलेंट आपको निकालना पड़ेगा. सी इक्वेलेंट एक मिनट ना, या सी इक्वेलेंट निकल सकते हैं. इधर दिया है उन्होंने, ये 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दिया, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसका. ठीक है, सो क्यू वन अभी क्या करो? क्यू वन में इसका वैल्यू डालो. ये -1 × 10⁻²−2 × ये 5 × 10⁻²− डिवाइडेड. अभी इसका सी इक्वेलेंट कैसे निकालना है? सी इज इक्वल टू 4πε₀. ये आपको मालूम 4πε₀ आर. और उसका यूज करके आप सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ स्वेटिंग इज देयर 4πε₀ आर. तो पहले के लिए आर वन, दूसरे के लिए आर टू. आर दिया है आपको, सो इट विल बी सी वन प्लस सी टू. दैट विल बी कहाँ पे देखो, इधर देखो, सी वन प्लस सी टू दैट विल बी 4πε₀ आर वन प्लस 4πε₀ आर टू. दैट इज 4πε₀ इंटू ब्रैकेट हियर आर वन प्लस आर टू. यहाँ पे डालना पड़ेगा 4πε₀ आर वन दिया है आपको, 1 आर टू दिया है, सो 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 प्लस 0.03. इसको करो 5 × 5 ओके इंटू 10⁻²− 4 अपॉन 4πε₀ इंटू 3 + 1 = 4 0.04. ये सब आपने कर दिया. मैंने कैलकुलेट किया है, उसका आंसर मैंने निकला है
थ्री इंटू कितना आपका बी ऑप्शन आता है, मैंने बी नहीं कहा, आंसर बी बी है, 3 × 10⁻¹ आता है, ये कैलकुलेट करके देखो योर आंसर विल कम. ओके नाउ वी विल सी फॉर नंबर 9 अ कंडक्टिंग स्पीयर, और उसके बाद में अलग सा वीडियो बनाते हैं. सो ये लिख के लो, बाद में दूसरा बनाते हैं. हो गया ठीक है. क्या दिया आपको 9 में, कंडक्टिंग स्पीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर चार्ज विद 10 μC, अनदर अनचार्ज स्पीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. ओके फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 9. क्वेश्चन नंबर 9 एक कंडक्टिंग स्पीयर, इसका रेडियस कितना दिया उन्होंने 10 सेंटीमीटर, चार्ज विद 10 μC. ओके इस पर चार्ज कितना दिया, q = 10 μC. Another uncharged sphere of radius 20 cm allowed to touch it. बड़ा वाला उसको टच किया, उसका रेडियस कितना 20 cm. ये अनचार्ज है, अनचार्ज मतलब उसका इनिशियली चार्ज कितना हो जाएगा, इनिशियल चार्ज 0 हो जाएगा, है ना, अनचार्ज है ना, तो इनिशियल उसका चार्ज 0 हो जाएगा. अभी टच किया, उसके बाद में क्या किया, After that, if the spheres are separated, the surface density of the charges on the sphere will be in the ratio. It's okay. आपको पहले surface charge density का formula याद होना चाहिए. Surface charge density, charge upon area. बराबर. तो पहले वाले के लिए ऐसा हम पकड़ते हैं कि ये जब इसको touch किया तो क्या होता है, ये जो charge होते हैं. Okay. तो इधर मैं थोड़ा सा theoretically लिखता हूँ, आप भी लिख के लो, बाद में हम पूरा करेंगे. When two is touched to one, when two is touched to one, then charge on one ये gets uniformly distributed. Distributed है uniformly, दोनों केस में distributed. ये मालूम होना चाहिए आपको, ये मालूम होना चाहिए. अभी तो कुछ नहीं है. सिग्मा वन कैसे लिखेंगे, क्यू तो वैसे ही रहेगा, टोटल चार्ज. ओके लेकिन टच करने के बाद उसको सेपरेट किया, मतलब चार्ज ऑन वन अभी अलग सा आएगा, ये नहीं अलग आएगा, क्यू वन और क्यू. सो क्यू वन अपॉन ए वन. सिग्मा टू कितना बन जाएगा, क्यू टू अपॉन ए. और अभी रेशो ऑफ चार्ज डेंसिटीज पूछा है ना उन्होंने, सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू पूछा है ना, छोटे वाले से बड़े वाले. ओके ओके सो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू विल बी क्यू वन अपॉन ए वन इंटू ए टू अपॉन क्यू टू. सो क्यू वन अपॉन क्यू टू मल्टीप्लाइड बाय ए टू, 4πr² अपॉन 4πr² कैंसिल हो गया. तो कितना मिलता है अपने को, इधर लिखता हूँ अभी, यहाँ से इधर देखो अभी, अभी कितना मिलता है, सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इज क्यू वन अपॉन क्यू टू इंटू आर टू अपॉन आर वन ब्रैकेट्स. अभी आर टू अपॉन आर वन तो मालूम है अपने को, 20/10 मतलब 2/1 है ना, और 2/1 मतलब 2 ब्रैकेट्स मतलब 4 आ जाएगा, तो ये आएगा 4. अभी निकालना है अपने को क्यू वन अपॉन क्यू टू, क्या निकालना है, क्यू वन अपॉन क्यू टू. तो वो कैसे निकालें, ओके इन ऑर्डर टू फाइंड दैट, पहले चार्ज कितना था 10 का था, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओके तो यहाँ पे ये 10 है, ये 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू सी वी. बाद में नहीं तो उनको टच किया तो वो भी कर सकते हैं आप, उनका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के कॉमन पोटेंशियल निकालो, क्यू वन बाई क्यू टू रेशियो निकालो, वो रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं. माई आंसर इज कमिंग, आई हैव डन दैट, हाउ मच इट इज कमिंग, वन मिनट, आई हैव डन इट,
it is coming d it is coming, it is coming 2:1. check it. ऐसे पूरा करो, इसका रेशियो निकालो और चेक करो और टेंथ वन भी ले ले, अगले वीडियो में लेते. ओके ठीक है, इसके बाद में पूरा वीडियो बनाऊँ, आज तो नहीं हो सकता, बट वंस आई विल बी हैबिचुअल आई विल बी मेकिंग टोटल वीडियो. ओके थैंक यू.